वी हैव अनदर सोनेट, वन डे आई रोट हर नेम. वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड इट अवे. अगेन आई रोट इट विद द सेकेंड हैंड, बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे. वेन मैन, सेड शी, दैट डस्ट इन वेन असे. A mortal thing so to immortalize, for I myself shall like to this decay. And ek my name be wiped out likewise. Not so, quod I, let baser things devise, to die in dust, but you shall live by fame. My verse, your virtues, and in the heavens write your glorious name. Where, whenas death shall all the world subdue, our love shall live and later life renew. Let us read it again. One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. Vain man, said she, that dost in vain essay. A mortal thing so to immortalize, for I myself shall like to this decay, and ek my name be wiped out likewise. Not so, quod I, let baser things devise, to die in dust, but you shall live by fame. My verse, your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. Where, when as death shall all the world subdue, our love shall live and later life renew. What is very prominent here is the presentation of it is how another aspect to love that is shown. इसमें हम जब इस particular sonnet को देखते हैं, one day this sonnet, पहले तो हमें इसका number पता हो, 75 number sonnet है ये. अगर आपको इसकी meaning, क्योंकि इसमें थोड़े archaic words ज़्यादा हैं, ना भी इसका meaning उस तरीके से समझ आया हो, हर एक सोनेट की क्रिटिकल अप्रिसिएशन से पहले आप पहले तो वो सारे जो जो एमोरेटी का वो हिस्सा है, एमोरेटी कब पब्लिश हुई, ये सब लिखेंगे हर एक सोनेट से पहले, अगर वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आता है. अदरवाइज तो एक जनरल आंसर तो आप बनाएंगी जिसमें एक बार में ही लिखेंगे आप. जब आप अब इस सोनेट की जो मैं बात कर रही थी कि आपने जब इसको पढ़ा सुना, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे, राइट right? लेकिन जो इसमें एक क्लियर थीम उभर के आ रहा है, जब आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोनेट देखते हैं कि वो जो जो एक अपील है जो पहले सोनेट्स में हमने देखी है, यहाँ पे कुछ इमॉर्टल फॉर्म ऑफ लव की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है फ्रॉम द स्पीकर, वो दिख रही है. एक ऐसा सीन सेट है इस सोनेट में जहाँ पे सम वॉइस इज इन अ कॉन्वर्सेशन विद द कंपेनियन. ऐसे लग रहा है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और वो अपने लिसनर को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लव सिचुएशन में, हमारे सामने जब हम रीडर्स हैं, हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं जहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है. जब आप इस सोनेट की बात करेंगे जो अब हमने पढ़ा है, सोनेट 75, ये उस ट्रेडिशनल लव सोनेट की तरह है जहां पे जो स्पीकर है उसकी जो एक, जब मैंने कहा एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ये उसकी कोशिश है. हमने जितने पहले सोनेट्स पढ़े दो उनमें भी देखा कि वो अटेम्प्ट कर रहा है. सो द लवर इज एन अटेम्प्ट, यहां भी वो अटेम्प्ट है. और वो अटेम्प्ट किस लेवल का है, हमने वो वर्ड भी देखा असे जो यूज हो रहा है बार बार, ए डबल एस ए वाई, उस एफर्ट के लिए, उस कोशिश के लिए. और यहाँ पे सोनेट में द लवर वॉन्ट्स टू मेक द लव इमॉर्टल,
ये भी एक बड़ी, शेक्सपियर ने भी अपने सॉनेट्स में लिखा है, जब वो अपने सॉनेट्स लिखे उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड कर देना चाहता हूँ अपना लव फॉर माय डियर फ्रेंड, कि वो ताउम्र युगो युगों तक हर काल में वो याद रहें, क्योंकि पोएट्री में हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है. ह्यूमन बीइंग्स डाई बट नॉट द वर्ड्स, दे आर कैरिड फॉरवर्ड टुवर्ड्स अदर जनरेशंस. आपने इसकी बिगनिंग देखी होगी कुछ, जहां आप इतना समझ आ रहा होगा कि जो लवर है वो नाम लिख रहा है सैंड में, रहे अपने कंपेनियन का नाम लिख रहा है. और जो जब हम पानी के किनारे मिट्टी पे लिख रहे हैं, तो जैसे ही वो लहर आती है वो वॉश अवे हो जाता है नाम. और ये इस पोएम की बिगिनिंग में है कि जो लवर है वो सैंड पे नाम लिख रहा है, और ही लुक्स एट द नेम दैट ही हैज रिटन एंड इट इज वॉश्ड अवे बाय द टाइड. लेकिन वो जैसे जैसे बार बार वो वॉश होता है, वो बार बार उसको ही पुट्स दिस लेबर ऑफ राइटिंग इट अगेन, है ना, जब वो कहता है मैंने सेकेंड टाइम भी लिखा. और अगर आप देखिए यहाँ पे देर इज दिस रेफरेंस कि शायद लवर के इस अटेम्प्ट में कि वो लिख रहा है, दोबारा लिख रहा है, सो इट इज शोन कि जो उसकी कंपेनियन है उसके अंदर ये डिजायर है नॉट टू लिव एनी मोर. ठीक है, देर इज नो फीलिंग ऑफ हैविंग अ फॉर एवर काइंड ऑफ लाइफ जो उसकी बिलावेड है. लेकिन वो कहता है कि चाहे ये जो लाइफ है इसका कुछ नहीं पता है, बट आई एज अ लवर विल कॉन्टिन्यू राइटिंग योर नेम ऑन दिस सैंड. इट शोज द लव डेट ऑन माई हार्ट, यू विल बी ऑलवेज रूलिंग माई हार्ट. और जो जो ये वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, इसमें सारी बेस चीजें हैं, बेसर चीजें हैं, जो बहुत ही छोटी तुच्छ चीजें हैं, जो जो मायने नहीं रखती. और वो अपील भी करता है, वो जो एडवाइस, वो जो बात कर रहा है, वो जो कॉन्वर्सेशन में है अपनी बिलावेट से, वो उसको बता रहा है कि देर इज नो पॉइंट इन रनिंग आफ्टर और इन लिविंग विद इन द बेसर काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर सराउंडेड इन द वर्ल्ड. ये सॉनेट डेफिनेटली स्पेंसर का पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर रहा है, जहां पे वो क्या बताना चाह रहे हैं. अगर हम इस सॉनेट को एक लाइन में बताना चाहें, तो ये सॉनेट बात करता है कि लव जो है इट ऑलवेज एंड्योर्स, इट ऑलवेज हैप्पीली अंडरगोज जो कुछ भी टाइम की, जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस की चीजें आती हैं, ये सब जो चीजों को लांग जाता है, पार कर जाता है. सो लव हैज टू एंड्योर, सहना होता है विद द टाइम. एट दिस सोनेट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम उधर देख रहे हैं, हमने कहा कि पूरा जो कलेक्शन है मोरेटी का, वो लव, ट्रू लव, एस्पेक्ट्स ऑफ लव, रियल मीनिंग ऑफ लव, इन सबको कवर करता है. सो दिस पर्टिकुलर सोनेट इट टॉक्स अबाउट इमोर्टैलिटी एंड लव. क्या है इमोर्टैलिटी होना, इमोर्टल होना? वी सी की बिगनिंग से ही जो लवर है वो सिर्फ मिट्टी पे लिखे नाम की बात नहीं हो रही, देयर इज एन एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लवर जहां पे वो इमोर्टलाइज करना चाहता है अपने ट्रू लव को. जैसे एक इंसान हार्ड वर्क करता है ना, और जिस तरीके से वो स्ट्राइव करता है अपने काम को अचीव करने के लिए, वैसे ही ये जो लवर है वो रेडी है हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए. अगर आप इसमें इमेजरी को देखें, तो जो ये मिट्टी पे नाम लिखा जा रहा है और ये टाइड के साथ वॉश हो रहा है, इट ऑल्सो रिफर्स टू इन अ फिगरेटिव वे, इन अ पोएटिक वे, क्योंकि ये तो है ही कविता. तो इस पोएट्री में क्या हमारे सामने दिख रहा है कि डेथ इनएविटेबल है, हम उससे भाग नहीं सकते. वो नाम का लिखा जाना और मिट जाना, इट शोज कि हम सब लोग जो हैं
ट्रांजिएंट लाइफ जी रहे हैं और हम सब लोग जो हैं वी आर बाउंड टू डाई वन डे. सो वी नो पोएट डिपिक्ट कर रहे हैं डेथ की इनएविटेबिलिटी को. समथिंग दैट हैज टू हैपन, डेथ होकर ही रहेगी. बट वेरी इंपॉर्टेंटली उस मिट्टी पे लिखना और वेव्स टाइड का उनको वॉश कर देना. अगेन ही राइट्स, कहते हैं ना वो सेकेंड अटेम्प्ट दैट ही मेक्स ऑफ राइटिंग. तो यहाँ पे वो एक मैसेज जो हम कहते हैं कि हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, तो वेव्स के साथ वॉश हो जाना, उसके बावजूद लिखना, इट इज लाइक जैसे मौत का, जैसे जो सच्चाई है उसका सामना करना, जिसे हम कहते हैं कन्फ्रंट करना, एनकाउंटर करना. सो द स्पीकर ही कन्फ्रंट्स डेथ, ही ट्राइज टू ओवरकम इट कि कोई बात नहीं, अगर इसको रब कर दिया है, इसको वॉश हो गया है ये जो नेम, आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन. इट्स अ काइंड ऑफ गेटिंग अ फीलिंग ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग लव, दैट माई लव इज पावरफुल, माई लव फॉर माई बिलवड इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और जितनी भी ये ऑड्स हैं ये पानी का आना और वो जो नाम लिखा जा रहा है उसको वॉश कर देना. सो वी सी सोनेट्स शॉर्ट हैं लेकिन इनमें जो मैसेज है वो बहुत प्रोफाउंड और डीप है. जब हम इसकी भी बात करते हैं सोनेट 675 की भी, तो जैसे हमने पहले सोनेट्स में देखा कि हमारे पास सेक्शंस हैं तीन तीन, जहाँ पे हम वो चार चार लाइन्स को देख रहे हैं और उसके बाद लास्ट का वो टू लाइन्स का कपलेट है, वो इधर भी कंटिन्यू हो रहा है इस सोनेट में भी. आई वॉन्ट यू टू लुक एट द पोएम वंस अगेन एंड यू सी जो इसका राइम स्कीम है, स्ट्रैंड, हैंड, अवे, प्रे, असे, डिके, इमोर्टलाइज, लाइकवाइज, डिवाइज, इटर्नाइज, फेम, नेम, सबड्यू, रिन्यू. तो लास्ट के जो कपलेट, जो लास्ट की दो लाइंस हैं वो आपस में राइम करती हैं. तो इनका जो स्पेंसर का सोनेट का राइम स्कीम है उसके आखिर में तभी ई आता है ना, क्योंकि वो एक जैसी साउंड्स हैं. तो इसका भी वही राइम स्कीम है, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई. ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए. जब आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे आप उसमें राइम स्कीम का जिक्र जरूर करेंगे, आप आयम्बिक पेंटामीटर की भी बात करेंगे. ये पहले कभी क्लास में जिक्र किया हो या नहीं, आयम्बिक पेंटामीटर जो है, जब भी हम पोएट्री की बात करते हैं, पोएट्री हमेशा मीटर में लिखी जाती है. मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने पिछले सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है ये, कि पहले ओरल ट्रेडिशन होता था. जब हम क्लासिकल लिटरेचर की बात करते हैं उससे पहले देखते हैं कि ओरली चीज़ों को सुनाया जाता था, चाहे वो ग्रेट वॉरियर्स की कहानियां हैं. तो ये सब कैसे मुमकिन था, उनको जो फोक टेल्स, कहानियां, स्टोरीज होती थी, लीजेंड्स होते थे, ये बैलेट्स होते थे जो लीजेंस के बारे में, ये सब जो थे ये मीटर में बंधे होते थे. सो इट इज ऑलवेज इजी टू रिमेम्बर म्यूजिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. पोएट्री इसीलिए बहुत ज्यादा इजीली लर्न हो जाती थी. आयम्बिक पेंटामीटर जब हम पोएट्री में देखते हैं तो ये म्यूजिक भी पैदा करता है. जब आप आयम्बिक पेंटामीटर, क्या बात है, वो शुरुआत में जो शब्द का हिस्सा है उस पे कम जोर है, उसको अनस्ट्रेस्ड हम कहते हैं, फिर वो जो है स्ट्रेस्ड में चला जाता है. सो देन देयर इज द साउंड डढ़म डढ़म. सो व्हेन वी स्पीक आयम्बिक पेंटामीटर, वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड बट केम द वेव्स एंड वॉश्ड अवे. तो ये एक ट्यून है जो क्रिएट होती है, ये एक म्यूजिक है जो क्रिएट होता है. सो ऐसे ही नहीं होता कि हम कहते हैं ये आयम्बिक है, ये ट्रॉकी है. सो दीज आर जस्ट इंटेंशनली यूज्ड बाय द पोएट्स टू क्रिएट म्यूजिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और सबसे ज्यादा तो बच्चे आयम्बिक ही यूज होता है पोएम्स में. अच्छा, जब हम जैसे अब हम इस सोनेट को भी देखें, एक मैंने आपको वो बताया था फिगरेटिव लैंग्वेज का फॉर्म है एलिटरेशन, जहां पे हम क्या देखते हैं एलिटरेशन में, रेपिटेशन है साउंड्स की.
अगर आप इस सोनेट को देखें, इसमें भी रेपिटेशन है, 1 2 3 4, फोर्थ लाइन में देखो, बट केम द टाइड एंड मेड माई पेन्स हिज प्रे. तो यहाँ पे रेपिटेशन क्या है, पेन्स प्रे, जहां पे साउंड्स जो हैं किसी अल्फाबेट कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो रिपीट होती हैं, तो हम कहते हैं एलिटरेशन है. हम जब भी किसी पोएम को ध्यान से देखते हैं, उसमें हमें लिटरेरी डिवाइसेस, फिगरेटिव स्पीच, ये सब एलिमेंट्स मिलते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है. और अच्छा, जब हम बिल्कुल बिगनिंग देख रहे हैं, जैसे हम उधर हंट्समैन वाली सोनेट हमने किया या स्वीट वॉरियर वाला सोनेट किया, तो हमने देखा फर्स्ट लाइन में कुछ ना कुछ स्पीकर ने इंट्रोड्यूस किया है, वो चाहे मेटाफर है. यहाँ पे भी एक मेटाफर है, किस चीज का, जहाँ पे वो एक वेव का इमेज हमारे सामने रख रहे हैं, जो वेव, जो लहर उस राइटिंग को वॉश करके ले जाती है जिस बीच पे वो है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल में वहां नाम नहीं लिखा जा रहा, इट इज अ वे ऑफ शोइंग द एफर्ट्स, द लेबर्स ऑफ द स्पीकर. और ये एफर्ट्स स्पीकर के पार्ट पे किसके लिए हैं, फॉर मेकिंग, फॉर शोइंग हिज लव टूवर्ड्स द बिलावेड. लेकिन उसको जैसे किसी को डांट दिया जाता है ना, वैसे ही जो जो बिलावेड है वो शो करती है अपना डिसकंफर्ट. आई वॉन्ट यू टू अगेन लुक एट दिस दिस सोनेट. जैसे हम बाकी सोनेट्स को देख रहे हैं कि चार चार लाइंस के ये जो सेक्शंस की तरह है, तो चार लाइंस को हमने कहा क्वाटरेन कहते हैं हम, ठीक है. तो पहली चार लाइंस जो फर्स्ट क्वाटरेन है, जिसमें कि जैसे वो हमने अभी कहा वो इमेज है पानी से नाम लिखा जाना और उसका वॉश अवे हो जाना. सो इट इज एन अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लवर, ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर, जो कि क्या चाहता है, इमोर्टलाइज करना अपने कंपेनियन को. सो इट इज अ काइंड ऑफ, ये जो सोनेट है इसकी शुरुआत ऐसे है जैसे किसी प्ले में हम सीन सेट करते हैं ना, सो दैट द प्ले, उसकी बिगनिंग में देर इज सेटिंग ऑफ द सीन, कि वंस इट हैपन्स, एक बार ऐसा हुआ. और जो ये पर्सोना है इस पोएम का, वो नाम लिख रहा है ऑन द सैंड ऑफ अ बीच, और वो वेव्स हैं वो उसको वॉश अवे कर रही हैं, और उसको दोबारा लिखता है वो, फिर वो वॉश अवे कर रही हैं. सो ये जो एक्शन है ना ये वेव का, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को कहते हैं बिटवीन द लाइंस रीड करना, क्योंकि ये जो वेव का एक्शन है ये हमें क्या बता रहा है, ये सिंबल की तरह इस पोएम में यूज हो रहा है, दैट दैट इज इनएविटेबल, दैट टाइम सर्कमस्टांसेस दे डिस्ट्रॉय ऑल द थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. जैसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं ना, वो और अच्छा एक चीज और मैं आपको कहूँ, यहाँ पे मैंने परसोनिफिकेशन का जिक्र किया था. इस पर्टिकुलर सोनेट में जब वो वेव्स का वो एक्शन है कि वो वेव्स आती हैं और वो वॉश कर देती हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे इस सोनेट में वेव्स को परसोनिफाई किया गया है. क्यों? क्योंकि वो कहता है लवर जो है स्पीकर है कि वेव्स, यू कैन पुट दिस इन इनवर्टेड कॉमास, वेव्स वॉश्ड इट अवे. एक एक और वो एक्सप्रेशन फोर्थ लाइन में यूज करता है, वेव्स मेड माय पेन्स हिज प्रे. सो ये जब हम माय पेन्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये जो माय पेन्स हैं ये क्या हो सकती हैं, इट कैन बी रिफर टू द राइटिंग्स जो वो लिखने की कोशिश कर रहा है. पेन्स मीन्स एफर्ट, जिस एफर्ट से वो कोशिश कर रहा है अपने लव को रिकॉग्नाइज और अपने लव को एक्नॉलेजमेंट दिलवाने की, जो यहाँ पे उन्होंने एक नाम के तौर पे कि मैं अपने नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज नॉट जस्ट द नेम दैट ही इज राइटिंग. और ये जो प्रे है, अ प्रे तो वैसे इट टॉक्स अबाउट शिकार, जो हम कल भी देख रहे थे प्रे वर्ड वहां भी यूज हुआ था, बट इट इज अगेन अ मेटाफोरिकल यूज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि नेचर और टाइम का
जो एक इफेक्ट नेचर और टाइम का इफेक्ट क्या है, क्या होता है नेचर और टाइम में, इनएविटेबल चीज क्या होती है, बदलाव, चेंज, कुछ भी हो समय बदलता है, सो समय के साथ साथ ये लव भी चेंज होगा। लेकिन पोएट जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि इन वेव्स से ये जो मेरी एफर्ट्स हैं इनको वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपना शिकार कर रहे हैं, बना रहे हैं। इफ यू सी ऑन द लाइंस ऑनवर्ड, जहां पे वो पांचवी लाइन शुरू हो रही है, पहला क्योंकि क्वार्टरेन हमने अभी देखा, जो नेक्स्ट सेकंड क्वार्टरेन है, सेकंड चार लाइंस हैं वो वेन मैन वाली, दैट डस्ट इन वेन से। तो इन लाइंस में हम क्या देख रहे हैं, एक ऐसा, जैसे मैंने अभी कहा ये सोनेट एक कॉन्वर्सेशन की तरह है, तो ये जो डायलॉग है जो इस सोनेट का स्पीकर है अपने कंपेनियन के साथ एक डायलॉग में है, क्यों, शी वर्ड का यूज हुआ है ना, सो दैट मींस वुमेन रिएक्ट करती है उस राइटिंग ऑफ द नेम की तरफ, और उसी के लाइन से हमें पता चलता है कि वो स्पीकर को बताती है कि उसकी क्या कहती है वो, मैं ये लाइन पढ़ना चाहती हूँ, वेन मैन सेड शी दैट डस्ट इन वेन असे, क्या कहा उसने कि ये सब व्यर्थ, वेन इज यूजलेस, फ्यूटाइल, दैट डस्ट इन वेन असे, अ मॉर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज। अमॉर्टल थिंग क्या होता है, नाश्वर वस्तु, टू मोर इमोर्टलाइज क्या हुआ, जो चीज अमर हो जाए, तो मॉर्टल थिंग्स जो हैं, जो नाश्वर हैं, वो कभी भी इमोर्टलाइज नहीं हो सकते, सो यू डोंट डू दिस वे। सो अगर हम इस तरीके से सोनेट को देखते हैं, इस सोनेट में कि जो स्पीकर है उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो वर्ड्स हैं, उनको उसकी कंपेनियन ही क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि वो क्या कहना चाह रही है, इस सोनेट में हमारे सामने दृष्टिकोण है अलग अलग, स्पीकर का पर्सपेक्टिव अलग है, उसकी जो कंपेनियन है उसका पर्सपेक्टिव अलग है, वो किस चीज पे स्ट्रेस कर रही है, मॉरल नेचर, क्योंकि मॉरल नेचर हम सबकी क्या है, वी ऑल विल डिसअपियर वन डे, जैसे इसको इसको देखो कैसे कह रही है वो, कि जैसे ये जो वर्ड्स हैं सैंड पे लिखे हुए वर्ड्स वॉश अवे हो गए, वैसे ही हम सब वॉश अवे हो जाएंगे विद द काइंड ऑफ नेचर, द काइंड ऑफ टाइम दैट वी आर लिविंग इन। फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डिके एंड एक माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइकवाइज। तो वो कहती है कि ये यूजलेस है उसका नाम लिखना, क्योंकि जैसे शब्द डिसअपियर हो गए वैसे ही वो भी फाइनली डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि टाइम एंड नेचर जो है वो बहुत क्रूअल है एंड दे डिस्ट्रॉय मैन-मेड थिंग्स। ये हो गया सेकंड पार्ट जो है सोनेट का, जो चार लाइंस का हमने देखा। इफ यू सी द थर्ड क्वार्टरेन, नाइन नंबर लाइन से लेके 12th लाइन तक, मैं पढ़ दूं दोबारा, नॉट सो कोड आई लेट बेसर थिंग्स डिवाइस टू टाई इन डस्ट बट यू शैल लिव बाय फेम। सो इस थर्ड क्वार्टरेन में हमारे पास वो रिस्पॉन्स है जो जो उसके लव्ड वन ने कहा, क्योंकि इफ यू सी एक ना सोनेट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको वॉल्टा कहते हैं, वो पूरी टोन बदल देती है, जैसे उस थीम में जो चल रहा है उसको चेंज कर देता है। अब तक हम देख रहे थे कि जो स्पीकर है उसकी जो कंपेनियन है वो बार बार मॉर्टल नेचर की बात कर रहे हैं, क्रिएशंस का खत्म हो जाना, और अब यहाँ पे एक चेंज आ गया है, क्योंकि स्पीकर जो है वो अब क्या बात करने लग गए, वो उस कंपेनियन को क्या कह रहा है कि ये तो बेसर थिंग्स हैं, ये डिसअपियर हो जाएंगी, लेकिन शी विल नॉट सो लेट बेसर थिंग्स डिवाइस टू डाई इन डस्ट, ठीक है ये उनका काम है डस्ट में खत्म हो जाना, बट यू शैल लिव बाय फेम। यहां भी तुम सबने देखना है डी साउंड का रेपिटेशन, ये एलिटरेशन है, डिवाइस डाई डस्ट है ना, एलिटरेशन यूज हो रहा है। अब यहाँ पे पोएट जो है वो अपने कंपेनियन को, अपनी बिलावेड को इमोर्टलाइज कर देगा, क्यों, क्योंकि उसकी पोएम्स में रह जाएगी वो, और क्योंकि पोएम्स हमेशा रहेंगी, इन द सेम वे शी विल आल्सो लिव फॉर एवर, इट इज द सेम थॉट जो शेक्सपियर ने भी अपने सोनेट्स में यूज किया है।
सो इस लाइन में वो कहते हैं ना, माई वर्स योर वर्च्यूज रेयर शेल इटर्नाइज एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम. तो जब वो इमोर्टलाइज कर देगा अपनी कंपेनियन को, तो वो उसका जो एक नेम है वो हेवनली स्पेस तक जाएगा, ग्लोरियस नेम हो जाएगा. यहाँ पे भी वी हैव एलिटरेशन, वर साउंड, वर्स, वर्च्यूज. पहले जैसे डी साउंड थी ना, और लास्ट में वो हमने बहुत अच्छे से कर ही लिया है, जो कपलेट है दैट इट समराइजेज, मैंने कहा पूरी पोएम को, क्योंकि जैसे कि पूरा कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, व्हेन व्हेन वेयर व्हेन एज डेथ शेल ऑल द वर्ल्ड सबड्यू, सब खत्म है, देयर लव विल सर्वाइव. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लव. सो अवर लव इट शेल लव लिव फॉर एवर एंड देन लाइफ रिन्यूज. यहाँ भी देखो एलिटरेशन है वर्की, वेयर वेन एज वर्ल्ड, और फिर ल साउंड है, लव लिव लेटर लाइफ. सो दैट मीन्स दिस होल सोनेट टॉक्स अबाउट इमॉर्टल क्वालिटी ऑफ लव, इमॉर्टल क्वालिटी. डेथ भी जैसे एक परमानेंस है, और इसको कंट्रास्ट किया गया है शॉर्ट टाइम ऑफ लाइफ. राइट, आई होप दिस इज इनफ फॉर दिस this sonnet. I also hope बच्चों की समझ आ